गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। मैं न्यू व्लॉग तो अभी जो ना जस्ट मैं सुबह सुबह उठाई हूँ और मुँह हाथ धो के तो मैं देखता हूँ क्या बना रहे हैं नाश्ता, तो नाश्ता करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी जो ना मैंने अपना मुँह हाथ धो लिया और बाल कंघी करूँ। तो आज इन्होंने बनाई है सर्दियों की सौगात, साग और साथ पराठा। अभी गाइस खाना पीना हो गया और अभी जो है ना बैंक वालों से फोन आई जा रहा है सुबह से कि आपके एक सिग्नेचर रहते हैं, आपके एक सिग्नेचर रहते हैं, 2 मिनट के लिए आकर सिग्नेचर कर दो। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आती, इतने सिग्नेचर करवाए, इतने सिग्नेचर किसी भी मैंने जगह पे इतने सिग्नेचर नहीं देखे, लेकिन इतने सिग्नेचर करवाए उन्होंने, इतने करवाए हैं कि मेरा बुरा हाल हो गया। और अब फिर कह रहे हैं सिर्फ एक रहता है, 2 मिनट के लिए आ जाओ, तो इतनी बुरी सी फीलिंग आती है ना। फिर दोबारा जब जाना पड़ता है ना गुस्सा आता है, फिर दिल ही नहीं करता जाने को, लेकिन मजबूरी है, वो बार बार फोन कर रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा। ना मैंने साइन वगैरह करके फ्री हो गया हूँ, तब घर जाने लगा। अभी जो है ना गाइस मैं बाइक धोने लगा हूँ इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है ना ये वैसे कि वैसी थी, इसे धोया नहीं था मैंने, क्योंकि बाकी इसका सारा काम करवा लिया था, सीट वगैरह चेंज करवा ली, लाइट पीछे चेंज करवा ली, ये भी चेंज करवा लिया, मडगार्ड चेंज करवा लिया इसका। अब इसका जो है ना ये सारा इंजन का काम उस तरफ से, तेल लीक होता था वो भी सेट करवा लिया सारा। लेमन मैक्स तो मुझे जो है ना किसी ने सजेस्ट किया था कि बाइक का सिलेंसर जो है ना उसको लेमन मैक्स से साफ़ करना और जाली के साथ, तो मैं ज़रा ना आज उसके साथ धो के देखता हूँ किस तरह की बनती है। ये सारा सामान है, जाली है, ब्रश है, लेमन मैक्स, लेमन मैक्स लिक्विड और जाली, इसके साथ आज मैं धोऊँगा बाइक सारी। लेमन मैक्स और इसके साथ जाली के साथ जो है ना अच्छे तरीके से साफ कर। अच्छे तरीके से धो लिया, ये इसकी लाइट लगवाई है, ये नंबर प्लेट और ये मडगार्ड, इसका स्टिकर लगवाया है बिल्कुल सा, ये भी स्टिकर है, ये भी टैंकी पे, ये मुझे इतना खास तो नहीं लगता लेकिन लगवाया है। ठीक है, इस टाइम हो गया तकरीबन 1 बज गए हैं और सासू माँ ने भेजे हैं चावल बिरयानी, तो अब हम मिलके वो खाने लगे हैं। सनात अली अपनी रोटी आज खुद बना रहा है, आलू मेथी वाला पराठा, वो देखे किस तरह बना रहा है, तो इसने अभी गोल कर देने से अच्छी बन जाएगी रोटी। सुना तो नहीं, हाँ इसको ऐसे कर दो जैसे नान नहीं करते, खुशकाना इतना लगाओ, उसे उल्टा करके उल्टा कर दो, उल्टा
उल्टा करके तो फिर नातली से खराब हो गया और मैं अब कोशिश करने लगा हूँ, तो देखते हैं कैसे बनाती हैं। अभी जो है ना गाइज, मैंने कोशिश किया और गोलियाँ बना लिया रोटी। अब इसको जो है ना, ये देखिए गाइज, अभी जो है ना मैंने ये रोटी बना ली है तकरीबन सारी। वैसे जो है ना तवा गर्म हो रहा है, तो मैं गर्म होता है तो फिर मैं जो है ना इसे डालता हूँ इस पर। कोई नहीं, फाइनली जो अंठा बना लिया, तकरीबन सारा बन गया ये, लेकिन टूट गया, लेकिन अच्छा बनेगा ये। अच्छा नहीं बनेगा ये, टूट गया। ये देखें गाइस, फाइनली दो रोटी बनाई, एक ये और एक ये। तो अभी सनातली खाता है तो मैं भी खाता हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे वैसे, क्योंकि सनातली ने वैसे ही उसके अंदर ही मिक्स कर दिया था आटे के, इसलिए जो है ना इस तरह का बना है। तो देखते हैं टेस्ट करके। दोपहर के चावल वगैरह खाने के बाद तो ना कुछ देर में सो गया था, तो अभी जो ना तकरीबन टाइम हो गया 4:30। तो मैंने देखा तो सनातली बना रहा था रोटियाँ, तो उसके बाद ना उससे सही बनी नहीं, फिर मैंने बनाई दो रोटियां। और अब जो है ना मैं बना रहा हूँ फिश रख दी है मैंने, तो आपको दिखाता हूँ। फिश को हल्का हल्का ऑयल लगा दिया और हल्की सी गैस पे वो मैंने रख दिया, तो कुछ देर बाद हम देखते हैं पक जाएगी। रख दिया देगचे में और साथ ही जो है ना नमक डाल दिया यहाँ पे। नमक डालने के बाद ऑयल डाल दिया। जब तक ये इसका पक नहीं जाएगा अच्छे तरीके से, उबालना नहीं आना शुरू हो जाएगा, तब तक हम स्पैगेटी नहीं डालेंगे इसके अंदर। गाजरें जो है ना इस तरह बारीक बारीक काट लेनी है। स्पैगेटी वगैरह तब तक बनती है। अब तो मैंने जो है ना पानी रख दिया, आग जो है ना आग थोड़ी सेट आ रही है, तो मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया, क्योंकि गीजर तो चल नहीं रहा। तो मैं जो है ना अब इस तरह पानी गर्म करके तो अच्छे तरीके से नहा लूँगा, तब तक ये पानी वगैरह उस पैसे वगैरह बन जाएगी, तो फिर आपसे मिलते हैं। मैं जो है ना ज़रा कपड़े सेलेक्ट कर लूँ कि कौन से पहनने हैं, तो मैं पहनता हूँ, आज मेरा दिल कर रहा है ब्लैक सूट पहन लूँ। ब्लैक ये बड़ा ब्लैक ये सूट, ब्लैक सूट पहन लेता हूँ। नीचे से ये शर्ट पहन लूंगा। अभी जो है ना गाइस, इतनी सी ये स्पैगेटी डालने पहले। स्पैगेटी ज्यादा तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये ना बर्तन छोटा है, तो हम जो है ना इसे दूसरे बर्तन में डालने लगे, इसमें डाल दिया। अभी जो है ना इसके चिकन के छोटे छोटे पीस कर लेते हैं, जैसे ये छोटे छोटे हो गए। गाइस मैं नहा के निकल आया हूँ और देखता हूँ कि कहाँ तक पहुँच गए। गाइस नहा कर फ्री हो गए हम, तो देखता हूँ कि कहाँ तक पहुँच गए। मछली भी रखी है, स्पैगेटी भी, और पराठे तो पहले बना लिए थे। देखता हूँ मैं मछली कहाँ तक पहुँची। मछली मैं देखूँ कहाँ तक है पहुँची। अभी जो ना प्याज ब्राउन हो रहे थे, ऑयल वगैरह डाल दिया और अब डालने लगे चिकन, तो डाल दें चिकन डाल दिया। अब चिकन फ्राई हो जाएगा तब तक। इसको जो है ना मैं पकाता हूँ, तब तक ये चिली सॉस है, ये सोया सॉस है, अब ये भी डालनी है इसके अंदर। लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट डाल दिया। अब
एक चम्मच काली मिर्च और ये दो चम्मच, और अभी गाजरें डालनी है। अभी सारी केचप डाल दी है। नमक डाल दिया। मैं फिश भी देख रहा हूँ यार, फिश तो आज हो ही नहीं रही, तो इसको मैंने इसकी साइड सारी चेंज कर ली है। तो थोड़ी सी देखते हैं कि वैसे पक तो गई है अंदर से, लेकिन मसाला इसके ऊपर से कच्चा है सारा। जो है ना ये है हमारी स्पैगेटी, इसको बॉईल करके तो इस बाउल में डाल दिया और पानी जो है ना इसका सारा निकल गया। जो रोटियों वाला चिमटा, इसको अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर देना। अभी और भी पड़ी हुई हैं। अभी जो है ना इसे मुकम्मल डांप दिया है और दम पे लगा दिया हल्की सी आंच आग पे ना, ताकि ये जो है ना अच्छे तरीके से मसाला सारी चीज़ों में रच जाए, ये जो स्पैगेटी है ना इसमें रच जाए। गाइस जो है ना स्पैगेटी बन गई है मुकम्मल, तो ये बड़ी जबरदस्त बनी है। चम्मच मैंने टेस्ट किया, बड़ा जबरदस्त टेस्ट है। मैंने थोड़ी सी इसमें मायोनीज डाली है, देखते हैं मायोनीज खा के भी, केचप तो डाली हुई है ना। हेलो गाइस, हाँ जी जी गाइस, तो अभी जो ना टाइम हो गया है रात के तकरीबन 9:30 हो गया, तो मैं लेने आया हूँ नीचे बिस्किट। तो अभी अली भाई से लेते हैं हम बिस्किट। अली भाई एक तो मैरी दे दो और एक दे दो मुझे लेमन सैंडविच। अभी आ गया हूँ घर, और घर आके जो है ना बिस्किट, साथ दूध है, साथ बिस्किट और साथ खजूर है, ये खाने लगा। तो अभी जो है ना टाइम हो गया 10 बज गया, तो आज की व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।